आज हम आपको बताएंगे कि बिना कुकर के पतीले में या कढ़ाई में मूंगी मसरी की खिली खिली मस्त सी दाल कैसे बनाएं। सबसे पहले मैंने ये दो मूंगी की दाल ले ली है और अब मैंने इसमें एक छोटी कटोरी मलका मसर ले लिए हैं। आप चाहो तो कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हमें इसको अच्छे से इसको अच्छे से मसल के धो लेंगे। हम इसको तीन चार पानी धो लेंगे। जब तक हम दाल को अच्छे से मसल के धोते हैं तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को जो पहले वाली वीडियो है उनको तब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन पर कमेंट करके बताएं कि आपको दूसरा और कौन सा वीडियो देखना है। आप ये देख सकते हो कि दाल में ये वाइट वाइट सा पानी निकल रहा है। ये हम कम से कम तीन बार या चार बार धो लेंगे। थोड़ा पानी डाल के 10 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक ये आप देखोगे हमारी दाल अच्छे से फूल जाएगी और ये काफ़ी मोटी मोटी हो जाएगी और बनने में भी ये बहुत बढ़िया बनेगी और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा भिगोने से। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम दाल को थोड़ा सा हिला के इसका ये भी पानी निकाल देते हैं। आप देख सकते हो ये दाल अच्छी से फूली फूली हो गई है। सो हम जल्दी से ये पानी निकाल देते हैं और आप देख सकते हो दाल का कलर कितना अच्छा आया है। तो अब हम इसमें ये थोड़ा सा पानी डाल के गैस के फ्लेम को ऑन करके इसके ऊपर रख देते हैं और इसमें एक चम्मच जितना घी डाल देते हैं। घी डालने से इसका दाल का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और ये बनती भी बहुत जल्दी है। और इसके बाद में हम इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जितना नमक डाल देते हैं और हम इसको 10 मिनट के लिए उबलने देते हैं। ये दाल को पहली उबाली में ही उफान आ गया है। अब हम इसको उतार देंगे क्योंकि ये जो झाग ऊपर आ जाता है ना, तो इसको उतारने से दाल का फ्लेवर और भी बहुत बढ़िया आएगा और दाल खाने में बिल्कुल हल्की बन जाएगी। जैसे आजकल बुखार वगैरह का मौसम है या कुछ भी है तो हम इसे ऐसे भी खा सकते हैं क्योंकि ये झाग, आप ये देखो, हिलाने से ये जो भी झाग आ गया है उसको बिल्कुल क्लीन कर देना। ये देखो अब हमारी दाल के ऊपर बिल्कुल झाग ख़त्म हो गया है। ये देखो ये दाल अच्छे से उबल रही है। सो जब तक 10 मिनट में ये दाल हमारी प्रॉपर बन जाएगी तब हम आपको दिखाते हैं। अब हम तड़के की तैयारी करते हैं। सो हमने गैस के फ्लेम को ऑन कर दिया है, कढ़ाई रख दी है और उसके बीच में हमने 2 टेबलस्पून जितना देसी घी डाल दिया है। और सबसे पहले हम इसमें घी गर्म होने के बाद हम इसमें ये जीरा डालते हैं। मैंने 1/4 चम्मच जितना जीरा डाला है। ये आप देख सकते हो जीरा अच्छे से तिड़क रहा है, यानी अच्छे से फूल रहा है। ये हमारा जीरा अच्छे से चटक गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच जितनी लाल मिर्च डालते हैं और इसको अच्छे से हिला देते हैं और गैस के फ्लेम को कम कर देते हैं और 1 टेबलस्पून जितना हमने इसमें पानी डाल दिया है। ताकि ये पानी इसलिए डाला है कि हमारी दाल के ऊपर ऊपर ही ये तड़का रहे। और अब हम इसमें ये जो ये आप देख सकते हो हमारी दाल अच्छे से बन चुकी है। अब हम इसमें ये दाल डाल देते हैं। तड़के में दाल डालने के बाद इसको एक उबाला आने देंगे और फिर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। डालने के बाद हमने इसके बीच में 1/4 स्पून काली मिर्च, 1/4 स्पून गरम मसाला डाल दिया है और इसको हिला देंगे।
अभी हमारे मसाले अच्छे से मिल चुके हैं। ये दोस्तों हमारी जीरे के तड़के वाली दाल है और अब हम इसके बीच में ये सारी बची हुई दाल को डाल देंगे। सो आप देख सकते हो ये हमारी 10 मिनट के अंदर बिना कुकर के कैसे घुली घुली दाल बनी है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और इसमें कोई भी लेसलापन नहीं होता। ये अब हमारी ये दाल खाने के लिए रेडी है, अब हम इसको जल्दी जल्दी से सर्व करेंगे। और थोड़ा सा ये देखो आप कितना अच्छा फ्लेवर आ रहा है दाल का और कलर भी कितना मस्त आ रहा है। सो दोस्तों आप भी जल्दी से जल्दी इस रेसिपी को ट्राई करें और अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करें और मेरे पेज को फॉलो ज़रूर करें।